हर हर महादेव। अच्छा, घर कहाँ हुआ? घर हुआ चंदौर हनुमान नगर। अच्छा, अभी दिक्कत नहीं हो रहा रास्ता में? कहीं रोका देने नहीं जा रहा? तो देखिए, अभी मैं हूँ बाबा मंदिर के सिंह द्वार के पास, और मेरे पीछे आपको बहुत सारे जो है भक्त नजर आ रहे होंगे। सब कोई बाबा का जो है पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं, और मंदिर कब खुलेगा ये सारा कुछ मैं आपको आगे ब्लॉग में बताने वाला हूँ। तो चलिए देर न करते हुए ब्लॉग को प्रारंभ करते हैं। कुछ ही दिनों में मंदिर खुलने वाला है, तो क्या तैयारियां हो रही है मंदिर खोलने को लेकर, ये देखने के लिए मैं आज जो है बाबा मंदिर की तरफ जा रहा हूं। और आज सिंह द्वार होते हुए नहीं जाएंगे, आज पहले जाएंगे बाबा मंदिर के पश्चिम द्वार के तरफ। और अभी जो है पेड़ा गली में घुस चुके हैं, और देखिए सभी दुकानें जो है खुली हुई नजर आ रही होगी आपको। आज सोमवार है और आज डेट है 13 सितंबर, और मैं आ चुका हूँ बाबा मंदिर के जो है पश्चिम दरवाजे के पास। और यहाँ पर देखिए कितने संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, और ये रहा बाबा का पंचशूल। तो आपको मैंने जो है पश्चिम दरवाजा दिखा दिया, यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं पूजा अर्चना करने के लिए। अब यहाँ से आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा क्या कुछ है, और मंदिर खोलने को लेकर क्या बातचीत चल रहा है ये भी अगर मुझे जानकारी मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ब्लॉग में जो है आप कंटिन्यू बने रहिएगा। और देखिए ये जो जगह है यहीं से सब कोई इन करते हैं पूजा करने के लिए, सरकारी पूजा जो होता है यहीं से प्रवेश करने के बाद जो है भक्त चले जाते हैं बाबा मंदिर के अंदर, और यहीं से पूजा अर्चना होता है। तो ये है बाबा मंदिर का जो है प्रवेश का जगह, और यहाँ पर बोल रहा है आप आगे जाइए, यहाँ वीडियो मत बनाइए। सोचिए क्या बात है। और देखिए सभी दुकानों में जो है आपको रौनक नजर आ रहा होगा, और मैंने पहले भी दिखाया था आपको गणेश पूजा का जो ये पंडाल। और चलिए अब चलते हैं सीधे सिंह द्वार के पास। मैं आ चुका हूँ बाबा मंदिर के सिंह द्वार के पास, और ये है नज़ारा अभी बाबा मंदिर के सिंह द्वार का। देखिए जो भी भक्त यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हैं या फिर मुंडन कराने के लिए आए हुए हैं, सबों को जो है पंडित जी यहाँ पर जल संकल्प करा रहे हैं, उसके बाद सब कोई बाबा के चौखट पर जलार्पण करेंगे। ये भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पुरुषोत्तम कुमार से मंदिर द्वारे उद्घाटन मुंडन निमित्त ब्राह्मण। और ये है बाबा मंदिर का सिंह द्वार जो कि अभी पूरी तरह से बंद है। सब भक्त यहाँ पर आते हैं और यहीं चौखट पर जलार्पण करते हैं, जो बैरिकेटिंग लगा हुआ है वहीं पर पुष्प अर्पित करते हैं, जल अर्पण करते हैं, और वहां से फिर आगे निकल जाते हैं। तो मैं आपको सारा कुछ जो है दिखाने वाला हूं, तो आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। देखिए किस प्रकार से यहां पर जलार्पण किया जा रहा है ये भी मैं दिखा रहा हूं, और सब कोई जो है यहां पर जो है उनके चौखट पर प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि मंदिर तो अभी बंद है, और बहुत जल्द ही मंदिर जो है खुलने वाला है। तो जैसे ही मंदिर खुलेगा मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है जैसे ही मंदिर खुलेगा वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर महिलाएं किस प्रकार से जलार्पण कर रहे हैं। चलिए, द्वार का नजारा मैंने आपको दिखा दिया किस प्रकार से यहाँ पर पूजा अर्चना हो रहा है। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं बाबा मंदिर के पूर्व द्वार के पास, और ये है बाबा मंदिर का पूर्व द्वार। यहाँ पर देखिए एक जो है बाबा भोलेनाथ का तस्वीर भी लगाया गया है, और सब कोई जो है यहाँ पर देखिए जलार्पण करते हैं, और यहाँ पर फूल बेलपत्र भी आपको नजर आ रहा होगा, और साथ ही यहाँ पर पंडित जी बैठकर जो है बाबा का ध्यान कर रहे हैं, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है बाबा मंदिर के पूर्व द्वार का नज़ारा, मैंने आपको बाबा मंदिर के तीनों दरवाजा का जो है नज़ारा दिखा दिया है। और चलिए अब यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर पूजा अर्चना हो रहा है बाबा मंदिर के
सिंह द्वार पर, और यहाँ पर देखिए गाड़ी का भी पूजा हो रहा है। पूजा पाठ जहाँ हो न, हाँ हाँ हो गए, दिक्कत नहीं। हाँ तो आपने देखा यहाँ पर किस प्रकार से पूजा अर्चना हो रहा है। मंदिर तो खुला नहीं है, बाहर में ही सारा कुछ हो रहा है। पंडित जी बता रहे थे जब दक्षिणा वगैरह दिया जाता है तो उस दौरान जो है आप वीडियो नहीं कीजिए, ऐसे आप पूजा होता है उस समय वीडियो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय थोड़ा दिक्कत होता है दक्षिणा के समय, बोले ठीक है कोई बात नहीं है, और अगर आपने जो है ऐसा वीडियो बनाया है तो आप जो उसको नहीं डालिएगा, बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो पूछे ये वीडियो बना के करते क्या है, उनको नहीं पता था, तो मैंने बता दिया ये वीडियो हम बनाते हैं और ये दूर तक जो है जाता है, सबको पता चलता है जब भी मंदिर बंद है, ताकि भीड़ न लगाए जो भी भक्त हैं। बोला अच्छा ऐसा बात है, चलिए सारा कुछ समझाया मैंने पंडित जी को। और अब देखिए मैं सिंह द्वार से आगे आ चुका हूँ शिवगंगा की तरफ, और शिवगंगा का नज़ारा दिखाते हुए मैं आगे बढ़ जाऊँगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हर बार बोलता हूँ, भाई का थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। देखिए अभी जो है भक्त सब आ ही रहे हैं बाबा धाम में पूजा करने के लिए, आज सोमवार है जिस कारण से थोड़ा ज़्यादा संख्या में भक्त आ रहे हैं। और ये देखिए शिवगंगा का नज़ारा, और मैंने दिखाया था आपको पश्चिमी तट, और आज दूसरे तरफ मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है, एकदम नज़ारा है, पानी क्या स्वच्छ है जल यहाँ का शिवगंगा का। और सब कोई देखिए बम सब आए हुए हैं बाइक से सुल्तानगंज से जल लेकर, और इधर भी बैरिकेडिंग खोल दिया गया है। मेरे पहले के ब्लॉग में आपने देखा होगा जो बैरिकेडिंग था, सभी बैरिकेडिंग को खोल दिया गया है। और देखिए मोटरसाइकिल बम सब आए हुए हैं बाबा धाम में पूजा अर्चना करने के लिए, और पीछे देखिए सबके गंगा जल है। तो आज सुबह के ही चले होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रुक के चलिएगा तो आपको 3 घंटा का समय लगेगा सुल्तानगंज से बाबा धाम पहुँचने में। और देखते हैं कहाँ भैया सब रुकते हैं, अगर नज़दीक में कहीं रुकेंगे तो मैं एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँगा, और दूर में रुकते हैं तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। तो देखिए सारा बैरिकेडिंग खोल दिया गया है, सिर्फ पूर्वी छोर का जो बैरिकेडिंग है उस कोने में उसे अभी खोला जा रहा है। और देखिए मंदिर खोलने को लेकर जो है इस सप्ताह बैठक होने वाला है, तो वो कब होता है ये तो अभी कहना मुश्किल है। और उम्मीद है जो है 10 दिन के अंदर मंदिर जो है खुल जाएगा, लेकिन कन्फर्म नहीं बताया जा सकता है कब तक मंदिर खुलेगा। कितना बजे चले थे बम जी? 7 बजे सुबह। अच्छा घर कहाँ हुआ? संदौर हनुमान नगर। अच्छा अभी दिक्कत नहीं हो रहा रास्ता में, कहीं रोका दे नहीं जा रहा? नहीं, रोक तो नहीं हो रहा। और जैसे अभी मंदिर बंद है तो नहीं, मंदिर बंद है तो अभी आप लोग को पता ही होगा मंदिर बंद है तो चौखट पर ही जलार्पण भी हो रहा है, तो वहीं पर करना पड़ेगा। अच्छा चलिए ठीक है, बाबा का दर्शन हो जाएगा बाहर से ही। दर्शन तो नहीं हो पाए लेकिन नहीं हो जाएगा, पश्चिम द्वार से जो है ना बाबा का पंचशूल का दर्शन हो जाएगा। खुलने का था वो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन 10 रोज उम्मीद करके चलते हैं। पता नहीं जो भी है, कहाँ रुकिएगा आप लोग? लो अभी बासुकीनाथ जा रहा है ना। चलिए ठीक है, ये YouTube पर मेरा आपका आ जाएगा, चैनल है गुप्ता जी ब्लॉग, तो उसमें देख लीजिएगा आप लोग का ये वाला आ जाएगा। तो भैया ब्लॉग्स VLOGS लिखिएगा ना। हाँ GS हाँ का आ जाएगा। और अभी आप लोग बासुकीनाथ जा रहे हैं पूजा अर्चना कर, यहाँ पर पूजा हो गया ना? चलिए ठीक है, हर हर महादेव। तो ये देखिए जो है भैया लोग से थोड़ा जो है चलते चलते मैंने बात कर लिया, आप लोग को साउंड कैसा गया होगा ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि एक्शन कैमरा से मैंने ये वीडियो शूट किया, और वो भी चलते चलते। मेरे जो है हेलमेट के अंदर इसका माइक है तो मेरा आवाज़ तो आप लोग को क्लियर आ ही रहा होगा, लेकिन भैया सबका और बमजी सबका जो है आवाज़ कैसा आया होगा मुझे पता नहीं है। तो देखा आप लोग ने जो कि सभी बमजी लोग अब यहाँ पर पूजा अर्चना कर लिए, अब बासुकीनाथ के लिए निकल रहे हैं। तो रास्ते में भी कहीं दिक्कत नहीं हुआ जैसा मैंने अभी पूछा आप लोगों को। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, अब घर निकलेंगे। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए
बाय बाय। मंदिर पुरुषोत्तम कुमार से मंदिर द्वारे ब्राह्मण।